दोस्तों, धनतेरस के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता लक्ष्मी, माता रानी आपके घर में कभी कोई दुख संकट ना आने दें। भगवान धनवंतरी के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, धनतेरस की रात या दिन के समय ये 5 संकेत अगर आपको मिल जाए तो समझो धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। अब आपके गरीबी के दिन जाने वाले हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। धनतेरस पर 5 संकेत बताते हैं। भगवान धनवंतरी आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, धनतेरस जिसे धन की रात भी कहा जाता है, ऐसे में हम जानते हैं अगर किसी व्यक्ति को धनतेरस की रात ये 5 संकेत मिल जाए तो समझो भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है और वो आपके घर में आने वाले हैं। अब आपके गरीबी और दुख दर्द के दिन खत्म होने वाले हैं। आपको सुख संपत्ति तथा धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है। यह संकेत बताते हैं भगवान धनवंतरी आपसे बहुत प्रसन्न हो चुके हैं, अब आप धनी होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 संकेत जो बताते हैं अब आपके घर में खुशियों की बरसात होने वाली है। यह धनतेरस आपके लिए लकी साबित होने वाला है। दोस्तों, आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब उन 14 रत्नों में से गाय माता भी प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि धनतेरस की रात या सुबह के समय अगर गाय माता आपके दरवाजे पर आ जाए तो समझो भगवान धनवंतरी आपसे बहुत प्रसन्न है। अब आपकी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इस समय गाय सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय मानी गई है। इस समय गाय को देखना और गाय के चरण छूना आपकी हर मुराद पूरी हो जाती है। आप जो भी मांगोगे गाय माता उसे पूरा करती है। दोस्तों, क्योंकि इसी दिन गाय माता प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन गाय की पूजा का बड़ा ही महत्व है। इस दिन गाय माता को कुछ ना कुछ खिलाकर धनतेरस के पर्व को संपूर्ण बनाना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की रात अगर आपके घर पर आकर उल्लू बैठ जाए या सुबह के समय उल्लू आपके दरवाजे पर आ जाए या उल्लू आपके पास से होकर निकल जाए तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं या आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि खास मौके पर अगर उल्लू के दर्शन हो जाए तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि इस समय माता रानी अपने वाहन यानी उल्लू पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रही होती है और जो घर उसे अच्छा लगता है माँ वहीं पर अपना निवास बना लेती है। इसीलिए धनतेरस की रात और दीपावली की रात उल्लू को देखना मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, धनतेरस यानी भगवान धनवंतरी की सवारी को देखना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। धनवंतरी की सवारी कुछ खास लोगों को ही दिखाई देती है, इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। अगर जिस मनुष्य को धनवंतरी की सवारी दिखाई दे जाए तो उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते, उसे अचल संपत्ति तथा धन दौलत की प्राप्ति हो जाती है, उस पर सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर कोई आपको तोहफे के रूप में शंख दे जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आ गई है, क्योंकि शंख माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस दिन शंख प्रभावशाली असर अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि धनतेरस के दिन ही 14 रत्नों में से शंख की भी उत्पत्ति हुई थी। इस समय आप शंख जिसे भी उपहार के रूप में देंगे उसका भाग्य प्रबल हो जाएगा, उसकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि इस समय शंख घर में प्रवेश होना साक्षात माता लक्ष्मी के आने का सूचक माना गया है। धनतेरस के दिन आप शंख भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमेशा इस बात का ख्याल रहे, धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना, इससे धन की हानि हो सकती है। माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ डा सकती है, आप बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि खास मौके पर झाड़ू किसी को देने पर समझो आपने साक्षात माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर दिया है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना, क्योंकि इस समय झाड़ू का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। इस समय लक्ष्मी आती है जाती नहीं है, खास मौके पर झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पारिजात का पौधा धनतेरस के दिन अगर कोई आपको उपहार के तौर में दिए जाएं तो इससे व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है, क्योंकि 14 रत्नों में से पारिजात का पौधा भी प्रकट हुआ था जिसके अंदर खूबसूरत फूलों का वास होता है जिसमें कई दिव्य शक्तियां वास करती हैं। इसे खास धनतेरस पर पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए, इसके बगैर पूजा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि ये फूल धन के देवता धनवंतरी को बहुत प्रिय है। आप इसे खास मौके पर उन्हें अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, माना जाता है कि धनतेरस पर या दीपावली पर गाय का चित्र या गाय की कोई भी मूर्ति उपहार में देने पर सामने वाले का भाग्य चमक जाता है, क्योंकि इस समय गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय 33 कोटि देवी देवता सक्रिय रहते हैं, इसीलिए इस दिन गाय का चित्र घर में लाना और मूर्ति लाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे 33 कोटि देवी देवता आपके घर में पधारेंगे। दोस्तों, हमारे वेदों के अनुसार अगर धनतेरस पर या दीपावली पर घर में गौरैया चिड़िया आ जाए
तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। माता लक्ष्मी को पक्षियों से अति प्रेम है। गौरैया चिड़िया का घर में आना, इससे ये पता चलता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो चुका है। दोस्तों, धनतेरस या दिवाली पर जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर में लाए तो याद रखें, खंडित मूर्ति नहीं होना चाहिए। ऐसी मूर्ति लाने पर माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। धनतेरस के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय राहु काल होता है। जब आप राहु काल पर लोहा खरीद लेंगे तब आपके घर में राहु केतु का वास हो जाएगा, क्योंकि आप स्वयं राहु केतु को अपने घर पर ले आए हैं। ऐसा अनर्थ कभी मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी आपको दुखों का सामना, बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा, पीतल, सिल्वर आदि खरीदा जाता है। पीतल तांबे के बर्तन खरीदे जाते हैं। साथ ही साथ कांच के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए, काला कपड़ा भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय काला कपड़ा पहनने पर शनि दोष लगता है, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक होता है। शुभ मुहूर्त में काले कपड़े कभी ना पहने। इस समय सर्वश्रेष्ठ पूजा की जाती है। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर गाय को हरा धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आती। गाय को हरा चारा खिलाने से ही, रोटी आदि खिलाने से धन देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानी गई है। इस दिन गाय की पूजा करने से करोड़ों पुण्यों व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। इस दिन गाय के चरण छूने से मनुष्य को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों, यह मौका आप कभी ना छोड़ें। इस समय आप जो भी मांगोगे वह मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। धनतेरस के पर्व पर घर में मंदिर के पास छिपकली आधी दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मंदिर में छिपकली दिखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदि का आना बहुत ही मंगलकारी तथा शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली हैं। इसे धन आने का सूचक माना जाता है। धनतेरस के दिन काली चींटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बनाकर या गोलाकार आकर में चींटियों का चलना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे धन की देवी माता लक्ष्मी के आने के आगमन माने जाते हैं। धनतेरस या दीपावली की रात अगर माता लक्ष्मी को अपने सपनों में देखा है या आपके सपनों में माता आती है तो बहुत ही मंगलकारी संकेत माना गया है। इन सपनों को आप कभी किसी को शेयर मत करना। माता लक्ष्मी यूं ही किसी के सपनों में नहीं आती हैं। धनतेरस पर धन देवता की सवारी का घर में आना मंगलकारी माना गया है। इसे अत्यंत दुर्लभ एवं बहुत ही कम लोग देखते हैं। इसे देखना मतलब अब आपके धन के द्वार खुलने वाले हैं। भगवान धन्वंतरी आपसे अति प्रसन्न है। समझो, आपको दुनिया की कोई भी शक्ति करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी, महाधनी होने से रोक नहीं पाएगी। अब आपका बाल बांका भी नहीं होगा। इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन गाय का दिखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय को तिलक और उसके चरण अवश्य छुएं और उसे कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, तभी ही लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन मछली को देखना अच्छा माना जाता है। इसे विष्णु का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के पर्व पर सफेद बिल्ली का दिखना अच्छा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर घर के अंदर मोर पंख का प्रवेश होना अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि मोर पंख कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान धन्वंतरी ही भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है। धनतेरस यानी धन देवता श्री कृष्ण का ही अवतार है। दोस्तों, इसीलिए धनतेरस पर मोर पंख जरूर लाना चाहिए। मोर पंख खरीदते समय भगवान कृष्ण का ध्यान अवश्य कर लें, उनका स्मरण कर लें। मोर पंख में महाशक्ति आ जाती है और इसे आप जहां भी रखोगे सुख और समृद्धि, यश, वैभव चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। इससे जीवन में धन, वैभव, यश तथा माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोर पंख इस दिन अवश्य घर में लाना चाहिए। मोर पंख नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर घर में नारियल जरूर लाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप वाकई में धनतेरस के इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।